हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। गाइस, इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को फ्री फायर की न्यू अपडेट ओबी 36 का ग्लोबल वर्जन प्रोवाइड करने वाला हूं। गाइस, फ्री फायर के ग्लोबल वर्जन को आप लोग किसी भी सर्वर में यूज कर सकते हो। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस वाली एपीके को डिफरेंट एमुलेटर्स में ट्राई करके दिखाने वाला हूं। और लास्ट में हम लोग एपीके एनालाइजर में इस एपीके को चेक भी करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को कहीं से स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को इस तमाम प्रोसेस की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलें गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले गाइस आप लोगों ने यह करना है कि जो भी एमुलेटर आप लोग यूज करते हैं उसको ओपन करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने इस वाली एपीके फाइल को पिन कमेंट से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली गाइस हम लोग सबसे पहले इसको स्मार्ट गागा एमुलेटर में इंस्टॉल करने वाले हैं। यहां से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये स्मार्ट गागा एमुलेटर में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड गाइस, फ्री फायर का ये जो वर्जन है ये 100% सेफ है। इसमें कोई भी आईडी बैन वगैरह वाला सीन नहीं है। लास्ट पे जब मैं आप लोगों को एपीके एनालाइजर में इस फाइल को एनालाइज करके दिखाऊंगा तो फिर आप लोगों को बताऊंगा कि ये फ्री फायर के नॉर्मल वर्जन की तरह ही काम करता है। सो यहां पे गाइस हमारे पास फ्री फायर ओपन हो चुकी है। अब हम लोग इसको ओपन करेंगे और एक बार इसको चला के टेस्ट कर लेंगे कि ये वर्क करती है या फिर नहीं। सो गाइस, जब तक फ्री फायर ओपन होती है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। बिकॉज गाइस, फ्री फायर से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। सो यहां पे गाइस हमारे पास फ्री फायर ओपन हो चुकी है। अगर आप लोग मोर पे क्लिक करते हैं तो गूगल एंड वीके को यूज करते हुए आप लोग अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग साइन इन विद फेसबुक पे क्लिक करते हैं तो फेसबुक आईडी के थ्रू भी यहां पे आप लोग साइन इन हो सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप लोग टैप टू बिगिन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग सिंपली फ्री फायर में इंटर हो जाएंगे। सो गाइस, इस तरह से इस वाले वर्जन को आप लोग स्मार्ट गागा के एंड्रॉइड 4 वर्जन में भी यूज कर सकते हैं। फ्री फायर को ओपन करने के बाद यहां पे गाइस आप लोग एक्सपेंशन पैक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग यहां पे इन गेम सेटिंग्स को ओपन करेंगे। यहां से गाइस हम लोग कंट्रोल्स में आने के बाद कस्टम एचडी को ओपन करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये वाला वर्जन स्मार्ट गागा या फिर दूसरे एमुलेटर्स की मैपिंग को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। तो जैसे ही आप लोग किसी भी एमुलेटर की मैपिंग को ओपन करेंगे तो यहां पे गाइस हमारे पास परफेक्ट की मैपिंग आ जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्जन है ये किसी भी एमुलेटर में फ्री फायर की मैपिंग को सपोर्ट करेगा। गाइस, अब हम सेम इसी एपीके फाइल को यहां पे एमएसआई ऐप प्लेयर में भी इंस्टॉल करने वाले हैं। उसके बाद एपीके एनालाइजर से इसको चेक करेंगे। सो यहां पे हमारे पास फ्री फायर इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद सिंपली हम लोग एपीके एनालाइजर को ओपन करेंगे, यहां पे इंस्टॉल्ड एप्स पे क्लिक करेंगे और सिंपली फ्री फायर को ओपन कर लेंगे। एंड गाइस, फ्री फायर को ओपन करने के बाद अगर आप ऊपर एक्सटेंशन में देखते हैं तो यहां पे com.dts फ्री फायर के साथ कुछ भी Xiaomi, Samsung, Huawei या फिर कुछ भी ऐसा नहीं लगा हुआ, मतलब कि ये फ्री फायर का एक ग्लोबल वर्जन है जिसको आप लोग नॉर्मल एपीके भी बोल सकते हो। उसी के साथ अगर मैं .so फाइल्स में आता हूं तो यहां पे गाइस आप लोग ये वाली फाइल्स भी देख सकते हो। सो गाइस, इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप लोग इजीली फ्री फायर के ग्लोबल वर्जन को किसी भी एमुलेटर में यूज कर सकते हो। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।